अच्छा उमर, किरदार के बारे में बताइए। और जैसे एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था कि एकदम अलग कहानी होने वाली है, बहुत अच्छा म्यूजिक है, थोड़ा सा बताइए सबसे पहले किरदार क्या होगा आप दोनों का, और कितना प्रिपरेशन किया है किरदार के लिए? इस किरदार के लिए हम लोग 4 मंथ से जो है रिहर्स कर रहे थे डायलॉग को लेकर के, सर बुला करके हर सीन का हर वीडियो बनवा करके जो है मांगते थे, देखते थे, और ये खुद बोलते थे कि इसमें थोड़ा सा एक्सप्रेशन लाउड चाहिए, इसमें एक्सप्रेशन थोड़ा कम चाहिए, और इनके अनुसार ही हम लोगों ने सीन जो है किया। और बाकी सारा श्रेय जो है इस कैरेक्टर के लिए इनको जाता है, क्योंकि इन्होंने ही हम लोगों से करवाया। हमें तो उतना पता नहीं कैसे किया जाता है, कितने मतलब टेक्निकली वर्क बहुत सारे करवाए हैं सर, जो फर्स्ट टाइम मेरे लिए रहा है इस फिल्म में। सर नहीं कर सकते मतलब आप एक्टिंग नहीं कर सकते ऐसा भी बोल रहे हैं? एक्टिंग नहीं कर सकते वो बात नहीं है, मतलब ऐसा करना मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, और सर करवाएं। बोलने का मतलब ये है कि ये पिक्चर काफ़ी अलग टाइप की बन रही है, बहुत मेहनत लगनी पड़ी आपकी। जी 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 ये तो। मैम आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में बताइए, और केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लग रही है फिल्म में भी, और गाने जो हमने जितना भी देखा उसमें भी आप दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लग रही है। या सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी, हमारा जो इसमें जो हमारी स्टोरी है ये बहुत ही लव स्टोरी है हमारी ये, और इसमें जो कैरेक्टर है रुद्रा है और नित्या, तो हमारा जो कैरेक्टर है हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो समथिंग ऐसी कुछ स्टोरी है। और ये हमारे संतोष कृष्णा धाबुलकर जी राइटर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, तो इन्होंने मूवी को आप आई थिंक ट्रेलर में तो देख ही चुके हैं, क्या मतलब उन्होंने बहुत सारी लड़कियां बुलाया था, मैं भी गई थी वहाँ पे, उन्होंने ऐसे कैरेक्टर को कैरेक्टर के लिए मतलब उन्होंने जैसा लड़की ढूंढ रहे थे उनको, मैं गई फर्स्ट टाइम मिली तो उन्होंने बोला कि मुझे बस ये लड़की अच्छी लगी है मेरे कैरेक्टर के लिए, तो बस ये चाहिए। और फिर उसके बाद से स्टोरी जब बताया सर ने तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी करने के लिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि ऐसे एज अ लीड हमें मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम जब आते हैं मुंबई में तो हमारे लिए काम मिलना बहुत मुश्किल होता है, बट ये सर ने जब मुझे इसके लिए प्रपोज़ किया मतलब इस मूवी के लिए बोला तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई इस मूवी के लिए, और मैंने बोला सर मैं पूरी मेहनत करूँगी, जी जान लगा दूँगी। और उन्होंने करवाया हमसे, 1 महीने पहले हमें स्क्रिप्ट दे दी गई और बोला कि इसको आप अच्छे से करके हमें हर दिन उसका वीडियो बना के भेजिए, और हम करते थे क्योंकि मुझे इस मूवी से बहुत उम्मीदें थी, मेरे मुझे आगे जाना था, इन फ्यूचर बहुत कुछ करना था, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, और मैं अपनी पूरी टीम को बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। आपके किरदार को और जानना चाहेंगे किस तरह का है इसमें, कैसे शहरी लड़की है, ग्रामीण लड़की या बिगड़ेल टाइप की लड़की? नहीं नहीं, इसमें जो नित्या का कैरेक्टर है बहुत सीधी और सिंपल और बहुत ही चुलबुली है, उसको मतलब एक लड़के से प्यार हो जाता है उसके सिवा फिर उसे कुछ नहीं दिखता है पूरी स्टोरी में, तो वो लड़के से प्यार हो जाता है और बहुत मतलब वो मूवी देखेगा आपको तब समझ में आएगा, हम ऐसे नहीं बता सकते, उसके लिए आपको हमारी मूवी देखनी पड़ेगी। सर एज ए कैप्टन ऑफ द शिप आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारी लव स्टोरीज हमने देखी है इससे पहले, ये लव स्टोरी में ऐसा क्या अलग होने वाला है जो ऑडियंस को देखने मिलेगा? अगर मैं अभी बोल दूंगा सारी बोल दूंगा, थोड़ा सा अगर ग्लिम्स देना चाहे जिससे लोगों की एक्साइटमेंट बढ़े फिल्म देखने के लिए। इसलिए मैं ट्रेलर दिखाया था कि ट्रेलर देखिए एक्चुअली पता चलेगा क्या हो रहा है, कि ट्रेलर देखने के बाद जो लोग सोचते हैं ना कि पिक्चर ऐसी है, पिक्चर अलग है, एक लड़की एक लड़के से मोहब्बत तो इतनी करेगी जान से मोहब्बत करेगी, उसके बाद क्या। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप भोजपुरी से ताल्लुक नहीं रखते, अलग आपका भाषा अलग है, ये भोजपुरी में आने का क्या कुछ रीजन? देखो मैं एक मराठी हूँ, मैं महाराष्ट्रीन हूँ, मैं महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में जब भोजपुरी के बारे में सोचा तो मुझे बोले गए थे कि यहाँ पे कोई बड़ा आर्टिस्ट आप लोगे तो ही आपकी पिक्चर खरीदेंगे, बड़ा आर्टिस्ट लोगे तो ही थिएटर में डिस्ट्रीब्यूटर भी पिक्चर का ही होगा करके, तो मैंने सोचा यार अगर भोजपुरी छोड़ हर इसमें आर्टिस्ट अच्छे अच्छे तो हम सिर्फ बड़े आर्टिस्ट के बारे में सोचेंगे तो इन लोग को ब्रेक कौन देगा, ये भी अच्छे है, जैसे मुझे एक्टिंग चाहिए मुझे करके लेनी है और इनको करके देनी है करके, तो मैं सोचने के बाद मैंने मेरे फ्रेंड भी मुझे बोले यार संतोष पैसा खर्चा कर रहे हो पैसे कैसे होगा करके, नए बंदे के लड़ा बंद नहीं, मैं ये भी तो कलाकार है यार दे रही है हर चीज़ जो मुझे चाहिए, मैंने ऑडिशन रखा था इसको मैंने निकाल भी दिया था एक दिन मैं गोवा में था, मैं इसको बोला 2-3 बार मुझे फ़ोन करके, क्योंकि मैं मेरे काम के लिए फ़ोन कर रहा था, मेरे काम का तो
मुझे लगा कि इसको इंटरेस्ट नहीं कुछ करके, मैं बोला कट करके भाई निकाल दो, दूसरी लड़की ढूंढो करके, क्योंकि मैं इस फिल्म से, मैं हर फिल्म से प्यार करता हूँ, मुझे वो चीज़ चाहिए। और रीज़न क्या था? सिर्फ मैंने फ़ोन नहीं उठाया था, पता एक बार। अच्छा ये भी जानना चाहेंगे कि आप महाराष्ट्र से ताल्लुक है, तो क्या शूटिंग महाराष्ट्र के अंदर कहीं हुई है, कहाँ का शूटिंग हुई? हाँ ये हुई है रत्नागिरी।